मैं एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग करके तो इंटरेस्ट स्टार्टअप्स की तरफ मायल हो गया मैंने अपने पंद्रह स्टार्टअप्स फेल कर चुका हूँ एक टीचर को स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहिए इंडस्ट्री कहती है यार अकेडीमिया को कुछ नहीं पता एकेडीमिया कहती है जी इंडस्ट्री में सेठ बैठे हुए हैं अपने रिसर्चर से मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप लोग नीड एनालिसिस तो करें रिसर्च ही ऐसी हो जिसकी जरूरत नहीं है इंडस्ट्री को और वो प्रोडक्टाइज्ड फॉर्म में नहीं है तो इंडस्ट्री उसको किस तरह से कबूल करेगी उसमें अभी भी वो 1875 में जोसेफ शम्बीटर ने ये कर दिया उन्हें नहीं पता दी कि सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है लास्ट ईयर जो है तकरीबन पाँच मिलियन डॉलर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने रेस किया है लेकिन वो अभी तक वो पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं असलम शेयरिंग ऑफ़ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा हमजाजेब नाजरीन आज के हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट फरहान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप फाउंडर एंड लीडिंग प्रोग्राम मैनेजर हैं आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से है टेक्नोलॉजी इनकोबेशन सेंटर आप रन कर रहे हैं इसी के साथ साथ आप तेरह साल से इस फील्ड में मौजूद हैं और फरहान रियाज साहब की एक बड़ी खासियत यह है कि आप ई e कॉमर्स और डिजिटल मीडिया के सेक्शन को प्रमोट करते हैं तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर अस्पिशस टाइम सर सबसे पहले मैं आपसे जानना ही चाहूँगा आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया जी मेरा करियर बड़ा दिलचस्प और अजीब है आई एम एन इंजीनियर मैं एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग करके इंटरेस्ट और ये मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 की तो इंटरेस्ट स्टार्टअप्स की तरफ माइल हो गया तो जी अब स्टार्टअप करना है तो मेरा एक क्लास फेलो है आफ्ताब उसके साथ मिलके हमने बैक देन पाकिस्तान का फर्स्ट एवर मोबाइल मैसेंजर बनाया इट वाज अ चैटिंग क्लाइंट जिसमें ग्रुप चैट्स होती थी तो एक रूम room, रूम्स होते थे चैट रूम्स और उसके अंदर पचास साठ लोग आपस में रैंडम बातें कर रहे हैं अब सोच के बड़ा अजीब लगता है लेकिन हमने स्टार्ट यहाँ से किया वो मैसेंजर बनाया ना हमें हमारे पास पैसे थे ना कोडिंग आती थी बट करते करते फास्ट फॉरवर्ड टू थ्री ईयर्स चालीस लाख इंटरनेशनल यूजर्स हो गए अब वो तो हो गए उसमें मैं हमेशा कहता हूँ मेजर क्रेडिट गोज़ टू आफ्ताब माय फ्रेंड हु वाज़ द कोडिंग जीनियस बिहाइंड दिस राइट लेकिन वो बिगिनर्स लक कह लें अल्लाह की तरफ से जिसको आप कह लें तुक्का लग गया अ फ्लूक मे बी लेकिन ये कि उससे जो है ना ये समझ आए कि ये मुमकिन है hmm. तो जो पॉसिबिलिटीज़ की डेफिनेशन और मुमकिनत जो हैं वो रिडिफाइन हो गए तो इसमें ही करते रहे लेकिन इसी के साथ साथ इसी मैसेंजर uh, के जो वसीले से जो है ना रेफरेंस से मुझे, मुझे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में टीचिंग विजिटिंग फैकल्टी की तो आई स्टार्ट टीचिंग आंट्रप्रनियरशिप तो हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू कर दिया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था यानी हफ़्ते में कुछ दिन बाकी हफ्ता अपना काम करते रहें तो वो कोर्सेस पढ़ाए बट लेटर ऑन आई लॉस्ट ट्रैक और जो अभी शाह साहब से भी डिस्कशन हो रही थी फ़ोकस बहुत इंपॉर्टेंट है और गलती ये हुई तो मैं आगे बेशुमार एक चीज़ में तो अल्लाह की तरफ से कामयाबी हुई लेकिन अगली चीज़ों में मैंने मुख्तलिफ और जो है ना वेंचर्स शुरू कर दिए मुख्तलि पंगे ले लिए आप कह लें तो उससे हुआ ये कि मैं एक की तरफ जाता था दूसरा बैठ जाता था दूसरे की तरफ तो आई लॉस्ट फोकस तो उससे हुआ यह कि मैंने अपने पंद्रह ज़ाती स्टार्टअप्स फ़ेल कर चुका हूँ लेट्स नॉट कॉल देम स्टार्टअप्स स्मॉल वेंचर्स और स्मॉल बिजनेस और एक्सपेरिमेंट्स तो वो यकीन बड़ा उस वक्त अफसोसनाक होता है डिसअपॉइंटिंग भी होता है मायूस होते हो लेकिन उसके वजह से बंदा सीखता भी है सीखा भी बहुत अलहमद और यही चीज़ फिर दो हज़ार चौदह पंद्रह में जो चीज़ हम आई वॉज़ वॉकिंग द टॉक जो हम सिखा रहे थे वो मैं हम ख़ुद भी मैं कर रहा था मेरी टीम कर रही थी फिर इसी के जो है हमने कहा इसको मजीद लेवरेज किया जाए तो यू ई टी लाहौर में एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर खोला तो अलहमदिल्ला वो भी अभी तक अच्छा चल रहा है तो इस किस्म का एक दिलचस्प व अजीब करियर पात रहा है सर आपने बात की आप पढ़ाते भी रहे टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा क्योंकि 65 परसेंट ऑफ आवर कंट्री यूथ है आपका इंटरेक्शन उनके साथ रहा यूथ में आप कौन से ऐसे गैप देखते हैं जो उन्हें चाहिए कि उस चीज़ पे फोकस करें जिस तरह आपने अभी फोकस की बात मेरा दिल के बहुत करीब है ये टीचिंग जो है क्योंकि मुझे अच्छा। लगता है कौम के मेमार है सही। और जिस तरह आपकी फाउंडेशन में भी शाह साहब अभी उन्होंने एक किताब दी उसमें भी मैं देख रहा था कौम के मेमार के नाम से एक सेक्शन था तो मुझे अगेन ये मेरा ओपिनियन है गलत हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की तरफ से इज़्ज़त बहुत मिली प्यार बहुत मिला ओवरवेलमिंग था अल्लाह का फ़ज़ल है लेकिन उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं बट आई बिलीव एक टीचर को स्टूडेंट्स से कनेक्ट करना चाहिए रिलेट hmm. करना चाहिए उसके दरमियान ख़लीज नहीं होना चाहिए उमूा होता है दूसरा मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ मेरी पढ़ाने की फ़िलासफ़ी सही या गलत लेकिन गैर रवायती और अनऑर्थोडॉक्स रही है आई इवन हैड गेम माई क्लास उसको गेम की सूरत में तब्दील कर दी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें पैडागोजी के असूल का ही नहीं पता और हम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू तमाम उस टीचर्स हैं वो कहते हैं जी बच्चे नहीं पढ़ते मेरा ये सवाल है इंतहाई मदबाना तरीके से वही बच्चा सोलह सोलह घंटे गेमिंग कर रहा है और एक ही माउस को रिपेटेटिव क्लिक कर रहा है उस पर वो बोर नहीं हो रहा क्यों इसका मतलब है मैं खुद टीचर हूँ मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ अपने आप को भी शाम है इसका मतलब है गलती मुझ में है या हम में है ठीक है बहसीत टीचर हमें उनका माइंड सेट उनके साइकी जो पैडागॉजी को समझना है और उस अंदाज़ में पढ़ाना है जो और अब जिद्दत के दौर आ गए चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं तो मेरे नज़दीक अगर आप उसको समझ लें तो इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करें। सर आपने जिस गैप की बात की टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो गैप है आप क्या समझते हैं इसको किस तरह फिल किया जा सकता है सबसे पहले अगेन इस पे सर रिलेट कर सकें स्टूडेंट आपसे। ठीक है आप रिलेट कर सकें कभी कभार बस सर, अगर मैं अपनी बात करूं जो कि प्रिंसिपली प्रोफेशनली शायद उतना ठीक ना हो बट मैं जो है इंटेंशनली कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर देता था, था जो शायद चंद दोस्त आपस में इस्तेमाल कर रहे हैं है मेरा अपने स्टूडेंट से एज गैप कम था तो वो मुझसे नेचुरली भी रिलेट कर पा रहे थे लेकिन उसके अलावा मसला फॉर मी अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उस हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं बट मुझे ये भी पता था किसका किससे फटा हुआ हुआ अच्छा <laughs> और ना ना किस को कौन पसंद है और उनकी घर में क्या मसाइल चल रहे हैं तो अगर आप वन यू केयर आप उनको वाकई उनके लिए केयर करें उनका ख़्याल रखें तो उससे एक रिलेशन बड़ा ख़ूबसूरत रिलेशन है तो मेरे ख़्याल से इट हेल्प्स इन टीचिंग और मेरे स्टूडेंट्स कुछ बड़े दिलचस्प थे जिनसे बाकी टीचर्स बहुत तंग थे सही जी। तो कुछ अल्लाह की करम नवाजिश थी कुछ उनकी मेहरबानी थी कि हमारे साथ मेरे साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा चाहे बाकी टीचर्स तंग थे तो अगेन मैं मुझे ये लगता है रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट चाहे एक फेल होने वाला स्टूडेंट है अगर मैं उसकी इज्जत नहीं करूँगा तो वो भी मेरी इज्जत नहीं करेंगे ज़माना बदल गया है ये पुराना ज़माना नहीं है जब उस्तादों की जूतियाँ सीधी की जाती थी तो इस चीज़ को हमें रियलाइज बड़ी खूबसूरत ज़माने की बात की तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे जानना ये चाहूँगा एक डैमिया और इंडस्ट्री के दरम्या जो गैप है सर ज़माना बदल चुका है हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा इंडस्ट्री और एगैमिया के दरम्या जो गैप है इसको किस तरह फिल किया जाए टीचर को रिसर्च वर्क किस तरह करना चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री के साथ चल सके क्योंकि इंडस्ट्री वालों का गिला ये होता है कि एक हमारे साथ रबते में नहीं है

और अब जो मैं डेटा आपको बताऊंगा एक सौ स्टार्टअप्स का डेटा हमने ट्रेसर स्टडी की सही. तो 105 सौ स्टार्टअप्स ने साढ़े चार सौ जॉब्स क्रिएट की ओके okay. और साढ़े चार सौ में हमेशा कहता हूँ ये करोड़ों नौकरियां नहीं है बहुत छोटा सा नंबर है बट माइंड डेट ये एक इंतहाई छोटे से सेंटर से अगर बना जाए और वही स्टूडेंट जो साल दो साल पहले खुद सीवीज लेके घूम रहे हैं अब वो जॉब क्रिएटर्स हैं तो वेरी हम्बली आई टेक सम वॉट ट्राइड इन दैट अलहमदिल्ला तो साढ़े चार सौ जॉब्स कलेक्टिवली अराउंड अ मिलियन डॉलर इन रेवेन्यू स्टार्टअप ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट रेस की कुछ ने हंड्रेड्स ऑफ़ थाउज़ेंड्स लाखों डॉलर्स बेशुमार स्टार्टअप्स श्टार, हमारे दस बीस हज़ार डॉलर मंथली बना रहे हैं okay. तो ये मुमकिनत है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वट वी हैव अचीव्ड इन आवर इनक्यूपेयर अब आपके उस सवाल की तरफ अब अगर स्टूडेंट्स ये यंग कर रहे हैं तो फैकल्टी को भी तो ये मौाक़े मिलने चाहिए हुँ. तो यहाँ के इंडस्ट्री एकेडीमिया वाला जो एक गैप है वो बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाता है प्रोनाउंस हो जाता है, है। इंडस्ट्र आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इंडस्ट्री कहती है यार एकेडीमिया को कुछ नहीं पता एकेडीमिया कहती है जी इंडस्ट्री में सेठ बैठे हुए हैं इनको नई टेक्नोलॉजीज़ का नहीं पता तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम हो गया कि पहले मुर्गी पहले अंडा किसी ने तो खलीज को पुर करना है तो मेरे नज़दीक खलीज को जो जो ब्रिज कर रहे हैं वो जो आप गैप को वो आपके और हमारे जैसे लोग हैं अच्छा मैं एक और चीज़ कहता हूँ इंडस्ट्री भी उर्दू अंग्रेज़ी पंजाबी बोलती है अकेडीमिया भी उर्दू अंग्रेज़ी पंजाबी बोलती है बट हम लोग बिल्कुल मुख्तलिफ़बानें बोल रहे हैं जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की ज़बान समझती है एक्डीमिया right. जो है ना कितनी साइटेशन हुई कितना इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पेपर छपे इसकी ज़बान समझती है ठीक है तो हमें इसको पुर करना पड़ेगा एक्डीमिया का मसला क्या है सबसे बड़ा मैं तमाम हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्री एकेडीमिया कलाबोशन के लिए जो है उनके साथ पार्टनरशिप की कि ये गैप फिल कर सके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में हम लोग गए इंडस्ट्री में डायरेक्ट गए मुख्तलिफ और टाइकून्स और जो बड़े ओनर्स हैं उनसे मिले तो तमाम इंडस्ट्री ओनर्स के अच्छे अल्फा नहीं हैंडीमिया अच्छा के लिए। तो वो गुस्से में हैं और वो शायद उनका गु़स्सा बजा भी है मैं एकडीमिया को भी रिप्रजेंट करता हूँ हमारा यहाँ इशू यह है कि और वेरी हम्बली रिस्पेक्टफुली हम अपने रिसर्चर से मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप लोग नीड एनालिसिस तो करें ठीक है आप वो चीज़ बनाए जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है ना कि जिसके ऊपर आपको इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में बेहतर साइटेशन मिलेंगी बेहतर जर्नल में छपेगा तो जब आप की रिसर्च ही ऐसी हो जिसकी ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्री को और वो प्रोडक्टाइज फॉर्म में नहीं है तो इंडस्ट्री उसको किस तरह से कबूल करेगी दूसरा इशू है एक्डीमिया क्या तो रफ्तार बहुत सुस्त है अच्छा इंडस्ट्री की रफ्तार बहुत तेज़ है जो पेस है ना वो उन यहाँ लेट्स कॉल इट द क्लॉक। एक्डीमिया की क्लॉक या घड़ी बहुत सुस्त है उनकी बहुत तेज़ है तो अगर कोई प्रोजेक्ट खुदा करके अल्लाह करके मिल गया है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा टाइम पे। तो इस तरह के बेशुमार मसले हैं बट समवन हैज टू एड्रेस इट कोई ना कोई आप लोग की फाउंडेशन इस पर बड़ा अच्छा काम कर रही है हम अपनी यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन के जरिए कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर तो इस तरह का मामला है सर आप क्या समझते हैं कि एक पढ़ाने वाला जो उसाद है उसका अपनी फील्ड को लेकर जो रिसर्च वर्क है उसको लेकर कितना अपडेट रहना जरूरी है आजकल के दौर में रिसर्च इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है तो आपको उस जदीद दौर के तकाजे समझना ज़रूरी है अक्सर अवतारत मसला जो होता है जो मैं देखता हूँ कि जो पढ़ा रहे होते हैं वो चीज़ वो खुद कर नहीं रहे होते अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मेजॉरिटी देर आर सम जो इंडस्ट्री से आए उन्होंने ये काम ही नहीं किया हुआ वो सिर्फ किताबी बातें हैं या हमारा जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का उसमें अभी भी वो अठारह में जोसेफ शम्बीटर ने ये कर दिया उन्हें नहीं पता जी कि सिलेकन वैली में क्या हो रहा है पाकिस्तान की इंक्यूबेटर स्पेस में क्या हो रहा है लास्ट ईयर जो है तकरीबन 500 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने रेज़ किया है लेकिन वो अभी तक वो पुरानी चीज़ें सब पढ़ा रहे हैं तो पॉइंट इज़ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन होना भी बहुत ज़रूरी है सर आप ई e कॉमर्स को भी प्रमोट करते हैं डिजिटल मीडिया के सेक्शन को भी देखते हैं आप क्या समझते हैं कि नए आने वाला जो दौर है ई कॉमर्स किधर देख रहे हैं आप पाकिस्तान ई कॉमर्स इज़ द बिगेस्ट थिंग आप अगर इंटरनेशनली देखें हमारे यहाँ ट्रेंड्स कदर लेट आते हैं तो इंटरनेशनली वॉलमार्ट्स मेसीज और इवन द फैशन रिटेल्स जस्ट लाइक लुई विटॉन उनके हंड्रेड्स की तादाद में स्टोर्स बंद हो रहे हैं क्योंकि लोग अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हैं hmm. या और एग्रीगेटर्स और शॉपिंग एग्रीगेटर्स और क्यूरेटर्स जो हैं उन पे वो शॉप कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग सिमिलरली मुझे स्टैट्स एग्जैक्टली exactly भूल गए हैं लेकिन ई e कॉमर्स पाकिस्तान में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और uh, इसी का फ्यूचर है तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी वक्त लगेगा अभी भी हो गई है कुड यू इमेजिन के जी आपका एक uh, रेड़ी फ़रोश जो है जो सब्ज़ी फ़रोश और वा, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें की हुई हैं कुड यू इमेजिन के जी आपका एक रिक्शे वाला भी ऊबर करीम और इन ड्राइवर के ऐप्स को कर रहा exactly. होगा तो हम ऊपर hmm. से कोविड ने बड़ा एक्सेलरेट कर दिया है जो ये जो कोरोना आया है तो डिजिटल एक्सेलरेशन जो है एडोप्शन जो है एक्सेलरेट हो गई बहुत ज़्यादा तो अगर डिजिटल एडोपशन बढ़ गई है तो ई कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत स्मॉल घरों से बच्चियां काम कर रही हैं और माशाल्लाह एक बड़ी खूबसूरत अर्निंग और वो कर रही हैं तो ई कॉमर्स इज़ गोइंग टू ब्लो अप इवन बिगर सर जो नए लोग हैं जो यूथ है जो ई कामर्स की तरफ आना चाह रहे हैं अपने स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे क्या ऐसा रास्ता है जिसको वो चूज़ करें और फिर करते करते वो बिलाआर मंजिल तक पहुँचें <laughs> मंजिल ये इतना आसान नहीं है कठिन है मैं हमेशा हम अपने एजुपेशन में भी आ, एक सौ जो स्टार्टअप्स हो चुके हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ और तमाम और इनक्यूबेटर्स में चंद सक्सेस स्टोरीज़ का मैंने जिक्र किया लेकिन उसके पीछे जो फेलियर्स है वो नहीं देख रहे होते तो मैं हरगिज़ हम ये सब्ज भाग नहीं दिखाते कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी इट्स नॉट सही अगर इतना आसान होता हर बंदा मिलेनियर होता या इट्स नॉट अबाउ मनी आल्सो कि आपका एक इम्पैक्ट एक फ्रीडम तो आसान नहीं है लेकिन चूँकि आसान सफ़र नहीं है बहुत कठिन है तो चूज़ वो करें जो वट यू लव ठीक है जो थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है कि आ, हमारा शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है हर चमकती चीज़ देखिए यार ये कर लेते हैं अभी अमेजॉन के ऊपर सारी सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं जो कि बिल्कुल रियल और ज़बरदस्त है कि अमेज़न हमारे चंद जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन uh, पढ़ा रही हैं आप लोग भी करवा रहे हैं दिस इज़ अमेजिंग लेकिन ज़रूरी नहीं कि तमाम लोग ये अमेज़न करें जिस तरह हम बात कर रहे थे दुनिया की हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है पैसा है लेकिन हर चीज़ आपके लिए नहीं है तो फाइंड आउट व्हाट्स फॉर यू जिस तरह से वो स्टीव जौहब ने कहा था कि जी फाइंड समथिंग यू लव एंड लेट इट खेल यू आप इतना ज़्यादा इसी चीज़ को पसंद करते हो कि उसके अंदर जो फेलियर्स हैं आपको महसूस ही ना हो बिल्कुल और आपको लगे कि यार आप तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं तो सबसे पहले और ये मुश्किल है क्योंकि इस जब यंग बच्चे हैं उनका इतने एक्सपीरियंसेस नहीं है तो उन्होंने इतना ट्राई नहीं किया फेल नहीं हुए तो उन्हें पता नहीं कि उनके लिए क्या है तो उसमें एक्सप्लोरेटरी फेज़ में टाइम लगेगा लेकिन आफ्टर आपके मल्टीपल फेलियर्स या एक्सपेरिमेंट्स आपको पता चल जाएगा ये मखसूस चीज़ आपके लिए फिर उस चीज़ को थाम लें चाहे अमेजोन आ जाए चाहे ड्रॉप शिपिंग आ जाए चाहे गेमर्स जो हैं वो बहुत पैसे बना रहे हैं फिर आपका फोर्टे वही रहे बिल्कुल और उसको एक मुस्तकिल मिजाजी से करें सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लोग किसी भी फील्ड का इंतखब करते हैं उस फील्ड से पहले एक पहला मरहला होता है मिटोर को तलाश करना मिनटोर क्या रोल प्ले करता है सर उस्ताद बहुत बड़ा रोल थे अच्छा थे। था। ये यानी इतना मसलन मैं अभी बात कर रहा था कि मैंने अपने पंद्रह या बिजनेसिस फेल किए मुझे अभी भी आई एम डूइंग गुड बट नॉट देयर वेयर आई वॉन्ट टू बी अगर मैं इसको रिग्रेट नहीं करता अल्लाह का शुक्र है सीखा बहुत बगर सही. अगर मैंने मेंटोर पहले कर लिया होता अच्छा तो मैं अपना वक्त को शायद आधा जो है बचा लेता आई कुड कट द टाइम बाय हाफ और इवन मोर तो मेरे अगर आपको कोई एक हैक मैं अगर दे सकूँ या इस इंटरव्यू से आप सिर्फ एक चीज सीख सकें ना सही आपकी जो भी फील्ड है बिल्कुल। आपके जो भी गोल्स हैं उसके करीब जिस मैंटोर ने वो को अच्छा ये चीज़ जरा गौरतलब है हमारे यहाँ बेशुमार वनबी मैंटोर्स बन चुके हुए हैं तो जो जेनुन उस्ताद है वो आपको पता चल जाता है कुछ जो आपके वाली चीज़ को हासिल कर चुका है उसके साथ जुड़ सही उसको तंग करने जो भी है लर्न फ्रॉम हैम आप ये एक आपका टाइम हैक कर देगा आपकी इस सक्सेस हैक आपका टाइम होने से बच सकता है बच जाएगा बिल्कुल ठीक और इशू ये होता है कि हमारी यूथ अमूमन मेंटोर तलाश तो कर लेती है कभी कभार हो सकता है वो ठीक हो बात नहीं माननी क्योंकि स्टार्ट ऑन्टरप्रेनियर बिलखसूस वो ऑन्टरप्रेनियर ही ना होते अगर वो बात मानने वाले होते वो अड़ <laughs> मिजाज होते हैं लेकिन आ, जिस तरह आपने भी एक बड़ी खूबसूरत बात की थी क्या जुमला जुमला तो आपने साहब का भी है हाँ, ना कि जिससे अकल लेनी है उस पर अकल नहीं लगानी अकल नहीं लगानी तो जो आपने एक दफा मेंटोर चूज कर लिया फिर वो जो कह रहा है तो उसकी बात हरफ आखिर है हाँ उससे पहले रिसर्च कर लीजिए तो मेंटोरशिप Is I wish I had a mentor back then तो चीज़ें कदरे आसान सर एट दी एंड जो यूथ आपको सुन रही है आपको देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरा मैसेज यही है कि यार आप अपना पैशन तलाश करें जो भी है आप आ, मुख्तलिफ जो चमकती चीज़ों के पीछे ना जाएँ आपके लिए बिलखसूस क्या है तो उसको तलाश करके उसमें एक्सेल करें जिस तरह वो एक मेलकम ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर्स दस हज़ार घंटे एक चीज़ को अगर आप दस हज़ार घंटे दे सकते हैं वो तभी दे सकते हैं वैन यू लव इट जब आपका वो जुनून है तो उसको करके आपसेल करें इतना ज़्यादा के दुनिया पाकिस्तान में या दुनिया में आपसे बेहतर उसमें कोई ना हो और यकीन कीजिए ये बात फार लगती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया में कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं वो जो दुनिया के बेस्ट है अपनी मखसूस फील्ड में तो ये मुश्किल है लेकिन टारगेट ये होगा तो आगे और बाकी फिर अल्लाह ताला करम कर दे लेकिन तो मुमकिन नहीं है नामुमकिन नहीं है बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी है इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जेब को इजाज़त दें अगली बार फिर नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़